आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है बिंदु पी 3, 4, 5 की वाई जेड समतल से लंबवत दूरी है। तो देखिए दोस्तों, हमें बिंदु पी 3, 4, 5 की एक्स वाई जेड समतल से लंबवत दूरी बतानी है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे पास बिंदु एक्स कोमा वाई कोमा जेड की जो वाई जेड समतल से दूरी होती है ना, वाई जेड समतल से लंबवत दूरी होती है ना, वाई जेड समतल से दूरी अपने पास किसके बराबर होती है, अपने पास मापांक एक्स के बराबर होती है ना। वाई जेड समतल से दूरी बिंदु पी एक्स वाई कोमा जेड की मापांक एक्स के बराबर होती है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ अपने पास मापांक एक्स मतलब कि मापांक 3, तो यहाँ से अपने पास उत्तर आ जाएगा, वो अपने पास 3 आ जाएगा ना। बिंदु 3, 4, 5 की वाई जेड समतल से दूरी अपने पास मापांक 3 मतलब कि अपने पास 3 के बराबर आएगा ना। या फिर देखिए दोस्तों, यदि हमें नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लीजिए दोस्तों कि अपने पास ये हमारे पास वाई एक्स है, है ना, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक्स एक्स है और ये अपने पास क्या है, ये अपना जेड एक्स है ना। तो देखिए ये मान लीजिए अपने पास वाई एक्स है, ये अपने पास एक्स एक्स है और ये अपने पास जेड एक्स है ना। तो देखिए हमें वाई जेड समतल, तो वाई जेड समतल अपने पास ये वाला जो समतल हो गया ना, वो अपने पास वाई जेड समतल हो गया ना। तो वाई जेड समतल से बिंदु पी पी अपने पास 3, 4, 5 है ना। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई बिंदु है पी जो निर्देशांक है अपने पास 3, 4, 5 है ना, यही ना 3, 4, 5 है ना। और यहाँ अपने पास मान लीजिए इस पी बिंदु से इस समतल पर मैं यदि कोई लंब डालता हूँ तो अपने पास इस बिंदु पर मिलता है जिसको मैं क्यू बोल देता हूँ। तो देखिए इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो चूंकि जो इसका एक्स निर्देशांक होगा वो अपने पास 0 होगा, चूंकि बिंदु अपने पास वाई जेड समतल पर स्थित है, अतः इसका एक्स निर्देशांक 0 होगा ना। वाई निर्देशांक की बात करूँ तो देखिए जो इसका वाई निर्देशांक है वो अपने बिंदु पी का वाई निर्देशांक है, वो अपने पास बिंदु क्यू का वाई निर्देशांक होगा, और जो बिंदु पी का जेड निर्देशांक है वो अपने पास इसका भी जेड निर्देशांक होगा ना, ताकि अपने पास एक दूसरे के लंबवत हो और इस बिंदु पर मिले ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं कि अपने पास बिंदु समतल वाई जेड की बिंदु पी से जो दूरी है वो अपने पास बिंदु पी की वी की क्यू से दूरी के बराबर है ना। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अपने पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, जहां अपने पास एक्स वन वाई वन पहला बिंदु, एक्स वन वाई वन जेड वन पहला बिंदु, एक्स टू वाई टू जेड टू दूसरा बिंदु, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री तीसरा बिंदु होता है। तो यहां से अपने पास डी बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास देखिए 3 - 0 का होल स्क्वायर नहीं, आ जाएगा अपने पास 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर नहीं, आ जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, आ जाएगा अपने पास 0 - 0 और ये अपने पास 3 का स्क्वायर, 9 का अंडर रूट अपने पास मापांक 3, तो ये आ जाएगा अपने पास d बराबर 3 ना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ से अपने पास जो दूरी आ गई है ना बिंदु P की वाई जेड समतल से दूरी अपने पास 3 के बराबर आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।